ये हमेशा मेरे लिए लेकर आते हैं मिसवाक। तो मैं अब लोगों को हमेशा ये कहता हूँ, मॉडर्न दौर के बासी हैं। खैर, ये और भी बड़े सारे गिफ्ट्स हमेशा लेकर आते हैं, रेबैन और ये अल्लाह का घर बड़ी दफ़ा देख चुके हैं। और इनके बेटे जो हैं वो आप सऊदीया में होते हैं, कहाँ होते हैं? सऊदी अरब में होते हैं। तो खैर, इनका लिए तो शुक्रिया। और ये हाफ़ज़ाबाद से आते हैं। अच्छा, मैं इनकी वसात से इनसे तो बात करूँगा ही। मैं आपसे पहले ना ये बात करना चाह रहा था, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की, लेकिन मैं अपने प्रोफेशनल यूज़ में या अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल यूज़ में कह रहा हूँ, मैं इसको नहीं ला सकता, लेकिन लाना चाहिए। तो तमाम वो लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ओवर मिसवाक, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो टूथपेस्ट है इसमें जो कुछ कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट गुड। ये ज़रूर देखा करें कि भाई ये चीज़ें हैं कि नहीं। क्या एक ट्रिक्लोसान है? ये बॉडी का हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब करता है, ये अक्सर टूथपेस्ट में पाया जाता है। उसके अलावा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, ये भी ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी में रिपोर्ट हुआ है, इसका ख्याल रखा करें। डिटर्जेंट्स हैं, अगेन टॉक्सिक। एब्रियंस हैं, गम लाइन को रिसीड कर सकता है, ये अवॉइड किया करें। फिर थिकनिंग एजेंट्स हैं जो इसको स्टेबलाइज करके टूथपेस्ट को थिक करते हैं, उनके लिए ख्याल रखा करें। और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और एक ह्यूमेक्टेंट्स डाल देते हैं जो गमी रखने के लिए टूथपेस्ट को यूज़ होता है। स्पेशली ये मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वीडियोस मैंने बनानी होती हैं, तो मैं बहुत सारे अंग्रेज़ डॉक्टरों की भी वीडियोस देखता रहता हूँ, वो खुद मिसवाक के बेनिफिट्स बता रहे होते हैं। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ट्रिक्लोसान, पैराबेंस एंड सैकरिन, ये अच्छी नहीं है कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड आपके टूथपेस्ट में ये इन्ग्रीडियंट्स पाए जा रहे हैं तो दे आर नॉट गुड। अब कंपेयर टू दैट, मिसवाक इज़ नेचुरल एंड मिसवाक में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसवाक इज़ ओवरऑल वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू। इसके कुछ बेनिफिट्स यही थे, टूथ डिके और कैविटी से मिसवाक लड़ती है, इंक्रीज ओवरऑल आपकी डेंटल हेल्थ को, उसके अलावा बैड ब्रेथ को दूर करती है, गम पेन को दूर करती है, प्लेजेंट आफ्टर टेस्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसीलिए सऊदी अरब में मिसवाक का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही है, सऊदी अरब में ज़्यादा लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू, मस्जिद के अंदर जा रहे थे उन्हें दिखाएं, तो मस्जिद के अंदर जा रहे होते हैं, दे आर यूजिंग मिसवाक। जमात खड़ी है, हाँ जमात खड़ी है, वजू किया हुआ, अंदर गए, ऐसे मिसवाक निकाली है और ऐसे से की है और फिर अंदर डाल लिया। वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो उसका बहुत ज़्यादा स्वाब है। और लेकिन आप क्या करते हैं सऊदी अरब में? जी मैं उधर जॉब कर रहा हूँ एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। ठीक है, खुश हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका शुक्रिया जो हमेशा ये मिसवाक मेरे लिए तोहफे में लेके आते हैं, मुझे इस्तेमाल करना भी सिखा दें। बस ये इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको जी? ये जो है ना, ये सुन्नत तरीका है। ऐसे क्या ऐसे जी, इसे पकड़ना होता है, हाँ, तीन उंगली ऊपर। अच्छा, लेट मी ट्राई, ऐसे पकड़ना है। हाँ जी, ऐसे ऐसे, हाँ जी। और ये थंब को इसको ऐसे, अंगूठे को ऐसे, पहले इधर से दाईं तरफ। अच्छा, ऐसे ही रगड़ना शुरू कर दें? नहीं, हाँ, ये ब्रश बना कर ना जी। अच्छा, इसका ब्रश बनाना है, इसको चीरना। अच्छा ठीक है, पहले दाएं तरफ, सही है, फिर बाएं तरफ, सही है, हाँ, इसको इस्तेमाल करना। और कितनी देर? ये आपकी तबीयत के ऊपर मुनसर है, ठीक है। और इसको छीलना भी होता है ऊपर से, ब्रश निकालना है? सिर्फ इतना सा जो है ना इसको छीलना होता है, नीचे से जो है ना ये जैतून जो है ये थोड़ी सी आप काट लें इधर से भी, इधर से अब ये आती है ना तो फिर तो ये ताज़ा होती है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी सी ये ना ये सूख जाती है। सही है, तो इसको ऊपर से काट कर नीचे थोड़ा सा ब्रश कर लें। सही है, तो नेक्स्ट के लिए मैं आपके लिए इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो मसवाक लाएंगे ब्रश वाली। अच्छा, वो हमारे उधर रायवेंड में ना। अच्छा, ये रायवेंड से लाए आप? जी मैं ये रायवेंड से लाया हूँ, यहाँ वहाँ से वो मंगवाते हैं ना, पोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जैतून जो है वहाँ से, सऊदीया से, सही। तो वो फिर वो आगे दुकानों के ऊपर जो है ना वो तकसीम करते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है, ये हर बंदे की अपनी अपनी होती है, ब्रश के दोबारा इस्तेमाल से, हाँ, चीज़ों से, हेपेटाइटस और ये वो, ये हर बंदा अपनी कैरी, हाँ, कर लेता है, कोई टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। बाकी सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इंसान दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब फरमाएंगे, इसकी बरकत से, मसवाक की बरकत। सुनना है, हाँ सुनना। चले, बहरहाल अपना ख्याल रखिए। दिस वॉज समथिंग विच आई अडोर, जो मेरे तक होता है, मेरी कोशिश होती है सब तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी